नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। योगी सरकार में जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक अलग अलग जनपद में भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं, तो वहीं यूपी के ही कुछ जिलों में कुछ तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलती दिख रही है। वहीं श्रावस्ती में भी स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग बेहद ही निष्क्रिय नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले दिनों से ही CHC मलिहपुर में भी इमरजेंसी वार्ड के बेड पर कुत्ते आराम करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ही आवारा पशु बेखौफ खड़े नजर आते हैं और जिसका वीडियो तेजी से वायरल होता है। जिसके अलावा बता दें कि कुशीनगर में भी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड पर पालतू पशु नजर आए हैं, बता दें आपको, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ही उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने संज्ञान लेकर CMO से रिपोर्ट तलब की है। श्रावस्ती में वायरल हुई है दोनों ही वीडियो पर CMO शारदा तिवारी ने बताया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और ड्यूटी कर रहे कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की यदि लापरवाही पाई गई है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके चलते मलिहपुर CHC प्रभारी रहे रविंद्र सोनकर को पद स्थानांतरित करने दिया गया है और वहीं अस्पतालों में कुत्ते और आवारा पशु पर राजनीति भी जोर पकड़ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर योगी सरकार पर कड़ा तंज भी कसा है। हम स्वयं जांच करने जा रहे हैं अभी मल्लीपुर में, जो भी संबंधित कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी थी, लापरवाही अगर उनकी पाई जाती है तो उनको दंडित करने की कार्रवाई हम करेंगे। फिर तो आगे उनको दंडित किया जाएगा, जो भी मिलेंगे जिनकी लापरवाही होगी उनको दंडित किया जाएगा। व्यवस्थाओं से संतुष्ट होने की बात ही नहीं है, क्योंकि व्यवस्था ही लचर। इस लचर व्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अवहेलना हो रहा है और इसका जो है प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी तो उनको दिखाने के लिए केवल एक व्यवस्था को सुचारू रूप से किया गया, उसके बाद जैसे कि तैसे पुरानी व्यवस्था पे चल रही है, यहाँ कोई ढंग से कार्य नहीं हो रहा। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डेंगू की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सवालों पर जवाब देने के अलग अलग आंकड़े दिए हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेंगू जैसी घातक बीमारियों के लिए श्रावस्ती स्वास्थ्य महकमा कितना संवेदनशील है। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी शारदा तिवारी ने बताया है कि अब तक जिले में 8 डेंगू के मरीज पाए गए हैं और उनमें से ही 6 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 2 मरीजों की जांच प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड और CHC पर जांच 5-5 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि CMS जेता सिंह ने बताया है कि अब तक जिला प्रशासन और जिला अस्पताल में एक ही केस जो है वो डेंगू का नहीं आया है और 8 बेड डेंगू मरीज के लिए जिला अस्पताल में संरक्षित किए गए हैं, जिसमें मच्छरदानी के साथ ही सारी सुविधाएं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के आंकड़े में अब फेरबदल है, तो फिर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से संवेदनशील है कि आने वाले समय भी बता सकता है। फिलहाल श्रावस्ती में पिछले दिनों आई बाढ़ की वजह से सर्दी जुखाम बुखार का दौर तेजी से चल रहा है और जिला अस्पताल में मरीजों की भरमार देखी जा रही है, लेकिन अभी डेंगू अपने चरम स्तर पर श्रावस्ती में कहर नहीं बरपा पाया है। यदि ऐसा ही रहा तो डेंगू अपना पैर पसारने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। हम लोगों ने जनपद में 10 बेड का आरक्षित वार्ड मच्छरदानी युक्त बेड जिला अस्पताल में आरक्षित किया है। सभी CHC पे 5 बेड के मच्छरदानी युक्त बेड जो है आरक्षित किए गए हैं। डेंगू के अभी तक यहाँ पे 8 केस जो हैं नोन आए हैं हमारे पास, जिसमें 6 का सत्यापन हम लोगों ने किया है। 2 अभी हमारे बाकी रह गए, आज हमारे MO साहब किसी जांच में गए हैं वहाँ पे। डेंगू को लेकर के जितने भी बुखार के मरीज आते हैं, सारे मरीजों की डेंगू की जांच होती है, लेकिन अभी तक कोई भी डेंगू पॉजिटिव नहीं आया है और हम लोगों ने 1 8 बेड का
वार्ड डेंगू के लिए अलग से बना के रखा है, जिसमें कि मच्छरदानी वगैरह लगाई हुई है, और हम अपने फिजिशियन और हमारे पीडियाट्रिशियन हमेशा जा कर के राउंड लेते हैं, और हमारे ओपीडी में जो डॉक्टर हैं उनको भी ये कह दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा मरीज आता है जिसको बुखार बहुत ज़्यादा है तो उसका डेंगू की जांच आप अवश्य कराएं। लेकिन अभी तक कोई भी डेंगू का केस हमारे यहाँ पे नहीं आया। जालौन में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर ही जांच में जुट गई है। बता दें आपको कि जालौन से खबर है जहां पर युवक का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। युवक का शव मिलने के बाद से ही जो लोग हैं वो घबराए हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पशु चोरी की घटनाओं में ही वांछित चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। शाहजहांपुर में मस्जिद में कुरान जलाने का मामला सामने आया है। कुरान जलाने वाले युवक को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुरान जलाने के बाद इकट्ठा हुई भारी भीड़ ने हंगामा करते हुए वहां पर होल्डिंग जो है वो जला दिए थे, और साथ ही हंगामा करने वालों पुलिसकर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक की खबर भी सामने आई थी। गिरफ्तार आरोपी ने बताया है कि उसको कुरान जलाने का सपना आया था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी युवक की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। फरुखाबाद में 2007 में आरोपी कलीम ने अपने मित्र शकील के साथ अपनी पत्नी, माँ और बहन की निर्मम हत्या कर दी थी, और हत्या के पीछे का कारण कलीम का अपनी साली के साथ अवैध संबंध बताया गया है। कलीम ने इस हत्या से अपने आप को बचाने के लिए खुद भी घायल कर लिया था और घर में ही लेट गया था। पुलिस को इसके चचेरे भाई शकील के ही अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या करने की तहरीर दी थी, और पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद उसके साथी शकील लल्लन उर्फ लल्ला को आरोपी बनाया था, और 15 साल बाद न्यायालय ऊपर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने ही कलीम और उसके हत्या करने में सहयोगी शकील को फांसी की सजा सुनाई और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, और वही तीसरे आरोपी लल्लन उर्फ लल्ला को बरी कर दिया गया है। अरे जो सजा इस मार हुई है, मतलब वो पहले कलीम वाला कोई इनका कलीम का मैटर था अपनी साली के साथ, तो इनने अपने में लड़के कर आके दूसरे में अपनी औरत को मरवाने चक्कर में इनने सबको मरवा दिया। मतलब कलीम ने मरवा दी अपनी औरत और उसको मरवा के उसी में इनका नाम भी आ गया था शकील का। 15 साल पहले नाम आया, जो भी आया इनकी सजा जब बोल दी गई, जमानत वमानत हो गई है, उसके बाद जो अपनी तारीख आरिख करते रहे एकदम जो इनका जो पकड़ गए। आज क्या सजा बोली गई? आज इन्हें फांसी सजा बोल दी। यहाँ से कितने लोग हैं? 2 लोगों को। कौन कौन है? कलीम और शकील। ये 2007 का फरुखाबाद थाने का हत्याकांड था। इसमें मुख्य अभियुक्त जो है कलीम, उसके द्वारा अपनी साली से अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपनी माँ की बड़े निर्मम तरीके से हत्याएँ की गई थी, और इस संबंध में इनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ। साक्ष्य के दौरान जो साक्ष्य अंकित किया गया उसकी परिणाम सजा के रूप में हुई जी। तो कितने लोगों को फांसी हुई है इसमें? 2 लोगों को, जो मुख्य अभियुक्त कलीम, जिसने जिसकी माँ और माँ बहन और पत्नी की हत्या हुई है और उसके साथ सहयोग में जिसने हत्याएँ की हैं, उस दोनों को फांसी की सजा हुई।
उधम सिंह नगर के ही पुलभट्टा थाना की बरा चौकी क्षेत्र में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में एक बदमाश ने घायल होने के मामला जो है वो उसका सामने आया है, जबकि अन्य बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है, जबकि घायल का सितारगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर DIG, SSP और SP सिटी भी मौके पर पहुंची और जानकारी ली। फरार बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। फुलभट्टा के बरा क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध बदमाशों की, तो इन बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया, तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर को अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। प्रशासन की सभी कार्रवाई लक्सर में चल रहे अवैध खनन के मामले फेल होती नजर आती है। हाल ही में लक्सर तहसील परिसर में लगे तहसील दिवस में एक शिकायत के जवाब जिलाधिकारी महोदय ने लक्सर में ही चल रहे अवैध खनन को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि लक्सर में ही किसी तरह का अवैध खनन नहीं हो रहा है, जबकि ठीक तीसरे दिन ही लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल के द्वारा दी गई कार्रवाई ने जिलाधिकारी जवाब को उलट पुलट करके रख दिया। लक्सर उप जिलाधिकारी द्वारा प्रतापपुर गांव में ही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक JCB मशीन को अवैध खनन करते पकड़ लिया गया और साथ ही 12 और बड़े वाहनों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया था और कुल मिलाकर लक्सर उप जिलाधिकारी ने 16 वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और अचानक हुई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। सड़क और बाढ़ गंगा में अवैध खनन कर रहे वाहनों पर एक तरफ से मानो अंकुश ही लग गया हो। अवैध खनन कारोबारियों में अफरा तफरी मची हुई है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अवैध खनन और अवैध परिवहन की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अवैध खनन की बात की जाती है, देखिए आपको दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। जैसे हमारे कुछ पट्टे वैलिड चल रहे हैं, वन विकास निगम के पट्टे वैलिड चलने लगे, हमारे कुछ 4-5 जो पैसे पट्टे हैं वो भी चल रहे हैं। अगर कोई डंपर या वाहन उन सामग्रियों को लेके जाता है तो ये एक शगल बन गया है कि तत्काल उसकी वीडियो खींच के ये कहा जाता है कि साहब अवैध खनन के लिए इससे लदे हुए डंपर जा रहे हैं और प्रशासन बोल नहीं रहा। लखनऊ में सीएम योगी के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के सपने को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि जानकारी आपको दे दें कि जहां पर लखनऊ में सीएम योगी के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के ही सपने को अधिकारी पलीता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि मलिहाबाद के ही लेखपाल शशांक पटेल घूस लेते हुए वीडियो जो है उनका वायरल हो रहा है। आरोप है कि लेखपाल दाखिल खारिज करने के नाम पर 20,000 रुपये की घूस ली गई है। तो लखनऊ से खबर है जहां पर घूस लेने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का सपना जो देखा जाता है वो साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घूस लेने का ये वीडियो है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर में कानून लाचार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ABVP के एक कार्यकर्ता नेकुताल ने ही सामने दरोगा को गालियां दी है और साथ ही थाने को आग लगाने की धमकी भी दी है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पर कहर बरपाने वाली यूपी पुलिस दबंगों के आगे लाचार दिखाई दे रही है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को लेकर युवक गले में फंदा डाल पेड़ पर चढ़ गया। युवक अपनी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़ा रहा और युवक की इस हरकत से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक की मांग को लेकर उसको मनाने में जुटी हुई है। तो लखनऊ से खबर है जहाँ पर युवक खुदकुशी करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया है, बार बार खुदकुशी करने की धमकी भी दे रहा है और वहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही भारी भीड़ वहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि युवक की सीएम से मिलने की मांग है जिसको लेकर वो पेड़ पर चढ़ गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।